हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष के जोनसा और आपका स्वागत है टेकन फिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैलेंजर मोड डॉट कॉम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नॉर्डविंग गेमिंग कम्युनिटी कप वीकली टूर्नामेंट्स चैलेंजर मोड डॉट कॉम पर करवा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि चैलेंजर मोड डॉट कॉम पर साइनअप, टूर्नामेंट में रजिस्टर, चेक इन और स्कोर अपडेट कैसे करें। राइट अपर कॉर्नर पर साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें ये साइनअप करने के लिए बोलेगा। डिस्कॉर्ड के थ्रू आप साइनअप कर सकते हैं, ट्विच के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और भी कई सारे ऑप्शन हैं, या फिर आप जीमेल के थ्रू भी, अपनी किसी ईमेल आईडी के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना एक यूज़र नेम डालूँगा, जो कि यूज़र नेम मुझे चैलेंजर मोड वेबसाइट पर शो होगा और सभी को वो मेरा यूज़र नेम शो होगा। तो यहाँ पर हम एक पासवर्ड बना लेंगे और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। हम साइन अप फ्री पे क्लिक करेंगे और खुद को वेरीफाई करेंगे। वेलकम टू द अरीना नॉर्डविन प्लेयर, नॉर्डविन प्लेयर हमारे यूजर नेम था। तो उसके बाद एक ट्यूटोरियल आ जाएगा, हमें इसको स्किप कर देना है। तो हमें एक ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, उसमें आपको दिख रहा होगा दिस इज़ एन अनवेरीफाइड अकाउंट। तो हमें इस अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम ईमेल अकाउंट पे जाएंगे अपने, हम अपनी उसी ईमेल पे जाएंगे जिससे हमने रजिस्टर किया। एक मेल आ रखी होगी चैलेंजर मोड की तरफ से, हम कंफर्म ईमेल पे क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक से हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और हमें अब वो ऑरेंज कलर की लाइन में मैसेज भी शो नहीं हो रहा। उसके बाद आपको चैलेंजर मोड वेबसाइट पे नॉर्डविन का मेंबर बनना होगा। मेंबर बनने के लिए इनके होम पे ही ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक कीजिए और आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर पर ये एरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ज्वाइन स्पेस का एक बटन आ रहा है। हम इसको प्रेस करके नॉर्डविन गेमिंग के पेज को ज्वाइन कर लेंगे और हम इसका मेंबर बन जाएंगे। आप देख सकते हैं 3,500 के आसपास ऑलरेडी मेंबर बने हुए इस पेज पर नॉर्डविन गेमिंग के। टूर्नामेंट में रजिस्टर करने के लिए आपको नॉर्डविन के डिस्कॉर्ड सर्वर से भी टूर्नामेंट का लिंक मिल जाएगा। नॉर्डविन के डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अदरवाइज आप चैलेंजर मोड पे भी टूर्नामेंट ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हम लेफ्ट में नॉर्डविन के लोगो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टूर्नामेंट सेक्शन में आएंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे 1v1 सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि टेकन 7 के टूर्नामेंट्स 1v1 होते हैं। यहाँ पे हमने एक टेस्टिंग टूर्नामेंट बनाया है इस वीडियो के लिए, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें टूर्नामेंट दिख रहा है हमारा और हम ज्वाइन टूर्नामेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऐड गेम अकाउंट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें वो नेम यूज़ करना है जो हम ब्रैकेट्स में अपना नेम शो करना चाहते हैं, तो हम यही सजेस्ट करेंगे आपको कि आप वही नेम यूज़ करें जो आपकी स्ट्रीम आईडी है, ताकि प्लेयर्स को ढूंढने में आसानी रहे। उसके बाद हम ज्वाइन टूर्नामेंट पे क्लिक कर देंगे और कंफर्म पार्टिसिपेशन पे क्लिक कर देंगे। इसी के साथ आपको एक मैसेज आएगा, सक्सेस, यू आर रेडी, हमारा टूर्नामेंट ज्वाइन हो चुका है। आपको ये पेज दिखेगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स दिखेगी। आप ओवरव्यू में नीचे देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी टूर्नामेंट से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन, होस्टेड बाय नॉर्डविन गेमिंग। तो ब्रैकेट पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने मैचेस देख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स आपको टूर्नामेंट शुरू होने के बाद ही दिखेंगे। उसके बाद आप मैचेस पे शो होंगे तो यहाँ पे आपको सारे मैचेस शो हो जाएंगे, किसका मैच किसके साथ है, और प्लेयर्स जिसने रजिस्टर किया है वो शो हो जाएंगे। तो हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अपनी प्रोफाइल पर ले जाएगा। आप देख सकते हैं नॉर्डविन प्लेयर नाम से हमने आईडी बनाई थी, इसमें आपको सारे स्टैट्स, आपके टूर्नामेंट्स वगैरह शो हो जाएंगे। तो जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा हमें एक मैसेज शो होगा ग्रीन लाइन के अंदर, जिसमें लिखा है गेम ऑन, प्लीज़ लुक एट द ब्रैकेट्स पेज टू गेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम ब्रैकेट पे क्लिक करके यहाँ पे हम ब्रैकेट्स देख सकते हैं। तो हमें राइट अपर कॉर्नर पे ये एरो दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें गो टू गेम का बटन शो होगा। या तो हम यहाँ से चेक इन कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्डविन के पेज पर जाएंगे, टूर्नामेंट्स पे क्लिक करेंगे और अपना टूर्नामेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें ऑनगोइंग में शो होगा, टेकन टेस्ट या हमने टेस्टिंग के लिए टूर्नामेंट बनाया था। तो यहाँ पर भी हमें गो टू गेम का बटन शो होगा, तो हम इन दोनों बटन पर किसी पर भी क्लिक करेंगे जैसे ही हमारा चेक इन हो जाएगा। तो चेक इन करने के बाद राइट डाउन कॉर्नर पर हमें एक चैट बॉक्स शो होगा जिसमें हमारा अपोनेंट और टूर्नामेंट के एडमिन्स हैं। आप एडमिन्स या अपोनेंट से चैट कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे अपने अपोनेंट को मैसेज करेंगे और उसका रिप्लाई का वेट करेंगे, देखते हैं अगर वो ऑनलाइन है तो अगर वो ऑनलाइन होंगे तो वो मैसेज कर देंगे। तो रेजिंग मोड हमारे अपोनेंट है, उन्होंने भी चेक इन कर दिया है और उनका मैसेज भी आ गया है। तो आपको सेंटर में हाउ टू प्ले का एक बटन शो हो रहा होगा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स शो होगी मैचेस किस तरीके से खेलना है। तो जैसे ही टाइमर स्टॉप हो जाएगा तो हमें एक बार रिफ्रेश करना है पेज को, उसके बाद हमें यहाँ पे रिपोर्ट रिजल्ट का ऑप्शन शो होगा। तो स्कोर अपडेट करने के लिए हम रिपोर्ट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्कोर डाल देंगे। स्कोर डालने के बाद हमें एविडेंस में स्क्रीनशॉट देना होगा जो कि ज़रूरी है। रिपोर्ट बटन पे क्लिक करके यस कर देंगे और हमारी तरफ से स्कोर अपडेट हो चुका है। अभी ऑटोमेटिकली 7 मिनट बाद स्कोर अपडेट हो जाएगा, या फिर अगर एडमिन्स चाहे तो पहले भी स्कोर अपडेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे अपोनेंट है वो कंफर्म कर दे स्कोर अपडेट को तो स्कोर ये टाइमर से पहले ही अपडेट हो जाएगा। तो एक बार हम रेजिंग मोड की प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जैसे ही हमने नॉर्दर्न प्लेयर से स्कोर अपडेट किया था तो रेजिंग मोड को ये मैसेज आया और उन्होंने अप्रूव पर क्लिक करके यस बटन पर क्लिक किया और स्कोर अपडेट कर दिया। तो आशा करता हूँ इस ट्यूटोरियल के बाद आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो टेकन 7 टूर्नामेंट ज्वाइन करने में चैलेंजर मोड वेबसाइट पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, और हाँ बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।